यरूशलम शहर की कहानी शुरू होती है पैगंबर इब्राहिम से। यरूशलम की कहानी है इस्लाम, यहूदी और ईसाई धर्मों के वर्चस्व की। इसराइल और फिलिस्तीनियों का पवित्र शहर यरूशलम को लेकर विवाद बहुत पुराना है और गहरा भी। इस शहर पर कई बार कब्जा किया गया, इसे मिटाया गया और फिर कई बार बसाया गया। फलस्तीन और इसराइल विवाद के केंद्र में प्राचीन यरूशलम शहर है। इस प्राचीन शहर में यहूदी, ईसाई और मुस्लिम धर्म के सबसे पवित्र स्थान हैं। यह शहर सिर्फ धार्मिक रूप से ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि कूटनीतिक और राजनीतिक रूप से भी बेहद अहम है। इसराइली यरूशलम को अपनी राजधानी मानते हैं और अपनी संसद को शहर के पश्चिमी हिस्से में स्थापित भी किया है। हालांकि कभी भी यरूशलम पर इसराइल की पूर्ण संप्रभुता को मान्यता नहीं मिली। यरूशलम के चारों ओर एक किलेनुमा सुरक्षा दीवार है, जिसके आसपास दुनिया के सबसे पवित्र स्थान हैं। हर इलाके की अपनी आबादी है। इन इलाकों में सबसे पुराना आर्मेनिया का क्षेत्र है। यरूशलम के ईसाई इलाके में द चर्च ऑफ द होली सेपलकर है। यह दुनिया भर के ईसाइयों की आस्था का केंद्र है। यहीं ईसा मसीह की मौत हुई थी। ईसा मसीह का मकबरा सेपलकर के भीतर ही है और माना जाता है कि यहीं से वो अवतरित हुए थे। यरूशलम में ही मस्जिद अल अक्सा है। मस्जिद अल अक्सा इस्लाम का तीसरा सबसे पवित्र स्थान है। मुसलमानों का विश्वास है कि पैगंबर मोहम्मद ने मक्का से यहाँ तक एक रात में यात्रा की थी और दूसरे पैगंबरों की आत्माओं के साथ यहाँ पर चर्चा भी की थी। मान्यता ये भी है कि पैगंबर मोहम्मद ने यहीं से जन्नत की यात्रा शुरू की थी। यहूदी इलाके में कोटेल या फिर पश्चिमी दीवार है। ये वॉल ऑफ द माउंट का बचा हुआ हिस्सा है। माना जाता है कि कभी यहूदियों का पवित्र मंदिर इसी स्थान पर था। यहीं पर पैगंबर इब्राहिम ने अपने बेटे इशहाक की बलि देने की तैयारी की थी। यरूशलम के इस विवाद में पिछले साल ट्रंप ने भी अपने हाथ डाले, जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तेल अवीव से अमेरिकी दूतावास को हटाकर यरूशलम लाने का फैसला किया और यरूशलम को इसराइल की राजधानी भी माना। सोमवार 14 मई को अमेरिकी दूतावास को यरूशलम में शिफ्ट भी कर दिया गया, जिसको उद्घाटन में शामिल होने के लिए ट्रंप की बेटी इवांका और उनके दामाद पहुंचे। हालांकि यूरोप के कई देश अभी भी डोनाल्ड ट्रंप के इस फैसले के खिलाफ हैं। वीडियो डेस्क, नई दिल्ली।